हाय फ्रेंड्स, एसपी में आपका स्वागत है। आज हमारा ये पहला वीडियो है ट्वेल्थ कॉमर्स का, जिसमें हमें आज डेरिवेटिव पढ़ना है। और इसमें 2015 से लेकर 2020 तक के लेटेस्ट एग्जाम के बोर्ड के क्वेश्चंस आज हमें लातूर पैटर्न के हिसाब से कवर करने हैं। ट्वेल्थ कॉमर्स का डेरिवेटिव का ये पहला क्वेश्चन है, फाइंड डी वाई बाई डी एक्स इफ वाई इक्वल टू एक्स रेस टू ई रेस टू एक्स। इसे हमें सॉल्व करना है। गिवन है y इज इक्वल टू, इसे हम इस तरीके से लिखेंगे x रेस टू e रेस टू x। और ये टाइप अगर आप देखेंगे वेरिएबल रेस टू वेरिएबल गिवन है और f ऑफ x रेस टू g ऑफ x गिवन है, इसलिए हमें दोनों साइड में लॉग लेना है। टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, तो log y इक्वल टू log ऑफ x रेस टू e रेस टू x ये हमें मिला है। यहां लॉग का फॉर्मूला लॉग ए रेस टू एम का एम लॉग ए, आपको मिलेगा ए रेस टू एक्स इंटू लॉग एक्स। नाउ डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड्स, लॉग वाई का डेरिवेटिव वन बाय वाई इंटू वाई का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स डी वाई बाई डी एक्स। और यहां इस टर्म में एक्स है और इसमें भी एक्स है, इसलिए यू इंटू वी। e रेस टू एक्स एज इट इज log x का डेरिवेटिव 1 बाय एक्स प्लस log x एज इट इज e रेस टू x का डेरिवेटिव e रेस टू x। इन दोनों में कॉमन लेंगे e रेस टू x, तो ब्रैकेट में मिलेगा 1 बाय एक्स प्लस log x। ये जो डिवाइडेड बाय y है ये इधर आके मल्टीप्लाई होगा, तो dy बाय डी एक्स होगा y इंटू e रेस टू x इंटू 1 बाय एक्स प्लस log x। और ये जो y है ये हमें गिवन है, y है x e रेस टू x, तो x रेस टू e रेस टू x ये हमें y गिवन है इंटू ये e रेस टू x एज इट इज इंटू 1 बाय x प्लस log x, ये इनका फाइनल आंसर है। ट्वेल्थ कॉमर्स का डेरिवेटिव का दूसरा क्वेश्चन है, फाइंड dy बाय dx इफ y इक्वल टू 5 रेस टू x प्लस x रेस टू x। अब ये बोर्ड का काफी फेवरेट क्वेश्चन रहा है, क्योंकि तीन बार एग्जाम में रिपीट हुआ है, इंपॉर्टेंट होगा आपके भी एग्जाम में। आपको इसमें y गिवन है 5 रेस टू x प्लस x रेस टू x। अब यहां हमें रूल्स ऑफ डेरिवेटिव यूज करना है और ये रूल है एडिशन का, तो लेट y इज इक्वल टू यू प्लस वी अज्यूम करना है, जिसमें u आपको गिवन है 5 रेस टू x और v आपको गिवन है x रेस टू x। u का डेरिवेटिव du बाय dx और v का डेरिवेटिव dv बाय dx निकालना है। तो सबसे पहले du बाय dx, यहां फॉर्मूला a रेस टू x का, a रेस टू x का डेरिवेटिव होता है a रेस टू x इंटू लॉग a, तो आपको मिलेगा 5 रेस टू x इंटू लॉग 5, ये फाइनल होगा। और अब v के लिए dv बाय dx निकालना है, तो v के लिए जब आप du बाय dx निकालेंगे तो यहां चेक करेंगे तो v रेस टू v की बनाए या f ऑफ x रेस टू g ऑफ x की बनाए। तो अगर f ऑफ x रेस टू g ऑफ x गिवन है तो डायरेक्ट डेरिवेटिव नहीं होगा, हमें log लेना है। तो टेकिंग log ऑन बोथ साइड्स, तो आपको मिलेगा log v इक्वल टू log ऑफ x रेस टू x। फिर log का फॉर्मूला log a रेस टू m इज m log a, तो ये मिलेगा x log x। और अब हम इसे डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड्स, लॉग वी का डेरिवेटिव 1 बाय वी इंटू डी बाय डी एक्स इक्वल टू, यहां रूल होगा यू इंटू वी का, एक्स एज इट इज लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1 बाय एक्स प्लस लॉग एक्स एज इट इज एक्स का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स होगा 1, ये एक्स कैंसिल होगा, ये आपको मिलेगा 1 प्लस लॉग एक्स। ये जो भी यहां डिवाइडेड बाय है इधर आके मल्टीप्लाई होगा, तो डीवी बाय डीएक्स मिलेगा वी इंटू वन प्लस लॉग एक्स। लेकिन वी का वैल्यू हम एज्यूम कर चुके हैं, वी इक्वल टू एक्स रेस टू एक्स है, तो आपको मिलेगा एक्स रेस टू एक्स इंटू वन प्लस लॉग एक्स। तो इस तरीके से ये वैल्यू मिला है डीवी बाय डीएक्स का और ये वैल्यू मिला है डीवी बाय डीएक्स का। और आपके पास था y इज इक्वल टू यू प्लस वी,
डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड्स, तो डीवाई बाई डीएक्स होगा डीयू बाई डीएक्स प्लस डीवी बाई डीएक्स। डीयू बाई डीएक्स आपको मिला है 5x इंटू लॉग 5 प्लस डीवी बाई डीएक्स आपको मिला है x^2 इंटू 1 प्लस लॉग एक्स। ये इसका फाइनल आंसर है। 12th कॉमर्स का डेरिवेटिव का तीसरा क्वेश्चन है, फाइंड डीवाई बाई डीएक्स इफ y इक्वल टू x^2 प्लस 7x-1x गिवन है y इज इक्वल टू x^2 प्लस 7x-1x। फिर से रूल्स ऑफ डेरिवेटिव और एडिशन का रूल यूज करना है, तो लेट y इज इक्वल टू u प्लस v, जिसमें u है x^2 और v है 7x-1x। अब ये भी x^2 का प्रीवियस क्वेश्चन में हम डेरिवेटिव निकाल चुके हैं, रेफरिंग प्रीवियस क्वेश्चन, du बाय dx आपको मिलेगा x^2 इंटू 1 प्लस log x, प्रीवियस क्वेश्चन में ये हम फाइंड कर चुके हैं। अब यहां v इक्वल टू गिवन है 7x-1x, तो यहां v रेस टू v है, f ऑफ x रेस टू g ऑफ x है, टेकिंग log ऑन बोथ साइड्स, तो log v इक्वल टू log ऑफ 7x-1x। फिर log a रेस टू m का फॉर्मूला m log a, तो आपको मिलेगा x इंटू log ऑफ 7x-1, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड्स, log v का डेरिवेटिव 1 बाई v इंटू v का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x dv बाई dx इक्वल टू यहां रूल u इंटू v का, x एज इट इज log ऑफ 7x-1 का डेरिवेटिव 1 अपॉन 7x-1 इंटू डेरिवेटिव ऑफ 7x-1 इज 7 प्लस log ऑफ 7x-1 एज इट इज और x का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x 1, तो आपको मिलेगा 7x अपॉन 7x-1 प्लस log ऑफ 7x-1। ये जो भी यहां डिवाइडेड बाय है इधर आके मल्टीप्लाई होगा, तो dv बाय dx मिलेगा v इंटू 7x अपॉन 7x-1 प्लस log ऑफ 7x-1। v का वैल्यू हम एज्यूम कर चुके हैं, v है 7x-1x इंटू 7x अपॉन 7x-1 प्लस log ऑफ 7x-1, ये हमें मिल चुका है। हमारे पास y इज इक्वल टू u प्लस v था, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड्स, dy बाई dx इक्वल टू du बाई dx प्लस dv बाई dx। du बाई dx हमें यहां मिला है x^2 इंटू 1 प्लस log x प्लस dv बाई dx हमें यहां मिला है, यह है dv बाई dx 7x-1x इंटू 7x अपॉन 7x-1 प्लस log ऑफ 7x-1। ये इनका फाइनल आंसर है। 12th कॉमर्स का डेरिवेटिव का नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड dy बाय dx इफ y इक्वल टू 2x-3^1/4 डिवाइडेड बाय 3x+1^1/3 इंटू 2-x^7/2। इसे हमें सॉल्व करना है, y गिवन है 2x-3^1/4 डिवाइडेड बाय 3x+1^1/3 इंटू 2-x^7/2। अब यहां इस क्वेश्चन में तीन टर्म्स के इंडेक्स फ्रैक्शन फॉर्म में गिवन है, दो टर्म का प्रोडक्ट है और यहां डिवीजन भी है, इसकी वजह से टेकिंग log ऑन बोथ साइड्स यूज करना है, तो टेकिंग log ऑन बोथ साइड्स log y इक्वल टू log ऑफ 2x-3^1/4 डिवाइडेड बाय 3x+1^1/3 इंटू 2-x^7/2 टेकिंग log ऑन बोथ साइड्स। अब log a बाय b का फॉर्मूला log a-log b, तो आपको मिलेगा log ऑफ
टू एक्स माइनस थ्री रेस टू वन बाय फोर माइनस लॉग ऑफ थ्री एक्स प्लस वन रेस टू वन बाय थ्री इंटू टू माइनस एक्स रेस टू सेवन बाय टू लॉग ए बाय बी का फॉर्मूला हम यूज कर चुके हैं, लॉग ए माइनस लॉग बी। अब यहां लॉग ए बी का फॉर्मूला, लॉग ए बी का फॉर्मूला लॉग ए प्लस लॉग बी आपको मिलेगा लॉग ऑफ टू एक्स माइनस थ्री रेस टू वन बाय फोर माइनस लॉग ऑफ थ्री एक्स प्लस वन रेस टू वन बाय थ्री प्लस लॉग ऑफ टू माइनस एक्स रेस टू सेवन बाय टू। लॉग ई बी का फॉर्मूला था लॉग ए प्लस लॉग बी। अब इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करना है, माइनस प्लस माइनस होगा और माइनस प्लस माइनस होगा तो आपको मिलेगा लॉग ऑफ 2x माइनस थ्री रेस टू वन बाय फोर माइनस लॉग ऑफ 3x प्लस वन रेस टू वन बाय थ्री माइनस लॉग ऑफ 2 माइनस एक्स रेस टू सेवन बाय टू। अब यहां लॉग ए रेस टू एम, लॉग ए रेस टू एम, लॉग ए रेस टू एम, तो लॉग ए रेस टू एम का फॉर्मूला होता है m log a। तो आपको मिलेगा 1 बाय फोर इंटू लॉग ऑफ 2x माइनस थ्री माइनस 1 बाय थ्री इंटू लॉग ऑफ 3x प्लस वन माइनस 7 बाय टू इंटू लॉग ऑफ 2 माइनस एक्स। तीनों जगह पर लॉग ए रेस टू एम का फॉर्मूला एम लॉग ए ये हम अप्लाई कर चुके हैं और ये इज इक्वल टू है लॉग वाई। नाउ डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड्स। लॉग वाई का डेरिवेटिव 1 बाय वाई इंटू वाई का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स डीवाई बाई डी एक्स इक्वल टू 1 बाय फोर। लॉग का डेरिवेटिव 1 अपॉन 2x माइनस 3 इंटू लॉग के अंदर जो भी है उसका डेरिवेटिव, तो 2x माइनस 3 का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स होगा 2 माइनस 1 बाय 3। लॉग का डेरिवेटिव 1 अपॉन 3x प्लस 1 इंटू लॉग के अंदर जो भी है उसका डेरिवेटिव, तो 3x प्लस 1 का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स 3 माइनस 7 बाय 2। लॉग का डेरिवेटिव 1 अपॉन 2 माइनस एक्स इंटू लॉग के अंदर जो भी है उसका डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो 2 माइनस एक्स का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स होगा माइनस 1। इसे हम रीअरेंज करेंगे, 1 बाय यहां 2 कैंसिल होगा और आपको मिलेगा 2 1 बाय 2 इंटू 2 एक्स माइनस 3 माइनस 3 कैंसिल होगा 1 अपॉन 3 एक्स प्लस 1। ये माइनस और माइनस प्लस 7 अपॉन 2 इंटू 2 माइनस एक्स। ये जो y यहां डिवाइड बाय में है इधर आके मल्टीप्लाई होगा तो dy बाय dx मिलेगा y इंटू 1 अपॉन 2 इंटू 2 एक्स माइनस 3 माइनस 1 अपॉन 3 एक्स प्लस 1 प्लस 7 अपॉन 2 इंटू 2 माइनस एक्स। और फाइनली ये जो y हमें गिवन है इस y का वैल्यू हम पहले ही एज्यूम कर चुके हैं, ये y आपको क्वेश्चन में गिवन है वो सब्स्टिट्यूट करना है। तो इस y का वैल्यू गिवन है 2x माइनस 3 रेस टू 1 बाय 4 डिवाइडेड बाय 3x प्लस 1 रेस टू 1 बाय 3 इंटू 2 माइनस एक्स रेस टू 7 बाय 2 इंटू 1 अपॉन 2 इंटू 2 एक्स माइनस 3 माइनस 1 अपॉन 3x प्लस 1 प्लस 7 अपॉन 2 इंटू 2 माइनस एक्स। ये इसका फाइनल आंसर है। 12th कॉमर्स का डेरिवेटिव का अगला क्वेश्चन है, इफ एक्स क्यूब प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई इक्वल टू 7 देन फाइंड डीवाई बाई डी एक्स। इसे हमें सॉल्व करना है। इक्वेशन गिवन है एक्स क्यूब प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई इक्वल टू 7। अब यहां बीच में प्लस है और दो जगह पर वाई है इसलिए यहां वाई इज इक्वल टू निकालना पॉसिबल नहीं है। और अगर y इक्वल टू निकालना पॉसिबल नहीं है तो फंक्शन होता है इंप्लिसिट, और इंप्लिसिट फंक्शन में हर टर्म को डिफरेंशिएट करना होता है। तो ये फंक्शन है इंप्लिसिट, देयरफॉर डिफरेंशिएट ईच टर्म विथ रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड्स। x क्यूब का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x 3x स्क्वायर, y स्क्वायर का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x 2y इंटू y का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x dy/dx प्लस
यहां यू वन टू वी रूल एक्स एज इट इज वाई का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई एज इट इज एक्स का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स वन इक्वल टू किसी भी कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव होता है जीरो। इन दोनों को कंपाइल करेंगे और कॉमन निकालेंगे टू डी वाई बाई डी एक्स तो आपको मिलेगा टू वाई प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू प्लस थ्री एक्स स्क्वायर इधर शिफ्ट होगा तो माइनस थ्री एक्स स्क्वायर होगा और प्लस वाई यहां लेंगे तो माइनस वाई मिलेगा। इस तरीके से डी वाई बाई डी एक्स मिला है इसमें से माइनस कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट में होगा थ्री एक्स स्क्वायर प्लस वाई और ये टर्म यहां मल्टीप्लाइड है इधर आके डिवाइड होगा तो 2y प्लस एक्स ये इसका फाइनल आंसर है। 12th कॉमर्स का डेरिवेटिव का अगला क्वेश्चन है इफ एक्स क्यूब इंटू वाई क्यूब इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर देन फाइंड डी वाई बाई डी एक्स। अब यहां एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर गिवन है तो टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स ये हमें नहीं लगना चाहिए क्योंकि ये लगने के लिए एक्स माइनस वाई ब्रैकेट स्क्वायर होना चाहिए। तो यहां x माइनस वाई ब्रैकेट स्क्वायर नहीं है और याद रखेंगे log ऑफ a माइनस बी इसका कोई फॉर्मूला नहीं होता इसलिए टेकिंग log ऑन बोथ साइड्स इसके लिए नहीं होगा। अगली सोच दो जगह पर y है और यहां माइनस बी गिवन है तो हम कंफर्म कर सकते हैं कि y इज इक्वल टू निकालना पॉसिबल नहीं है इसलिए यह फंक्शन है इंप्लिसिट और इंप्लिसिट फंक्शन को हर टर्म को डिफरेंशिएट करना होता है विथ रिस्पेक्ट टू x। तो आपको गिवन है एक्स क्यूब इंटू वाई क्यूब इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और यह फंक्शन है इंप्लिसिट देयरफॉर डिफरेंशिएट ईच टर्म विथ रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड्स। तो यहां रूल होगा यू इंटू वी का एक्स क्यूब एज इट इज वाई क्यूब का डेरिवेटिव थ्री वाई स्क्वायर इंटू वाई का डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई क्यूब एज इट इज एक्स क्यूब का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स थ्री एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स टू एक्स माइनस वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स टू वाई इंटू वाई का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स डी वाई बाई डी एक्स। और अब टर्म्स हमें कंपाइल करना है ये माइनस टू वाई यहां आके प्लस होगा और ये जो प्लस है ये इधर लाना है ये माइनस होगा तो आपको मिलेगा थ्री एक्स क्यूब वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स और ये माइनस एलएचएस में आके प्लस होगा प्लस टू वाई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू ये टर्म एज इट इज टू एक्स और ये प्लस आरएचएस में आके माइनस होगा माइनस थ्री एक्स स्क्वायर वाई क्यूब। इन दोनों में से कॉमन निकालेंगे डी वाई बाई डी एक्स तो आपको मिलेगा थ्री एक्स क्यूब वाई स्क्वायर प्लस टू वाई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू टू एक्स माइनस थ्री एक्स स्क्वायर वाई क्यूब। ये टर्म यहां मल्टीप्लाइड है इधर आके डिवाइड होगा तो डी वाई बाई डी एक्स मिला है टू एक्स माइनस थ्री एक्स स्क्वायर वाई क्यूब डिवाइडेड बाय थ्री एक्स क्यूब वाई स्क्वायर प्लस टू वाई। न्यूमरेटर से हम कॉमन लेंगे एक्स तो ब्रैकेट में मिलेगा टू माइनस थ्री एक्स वाई क्यूब डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर से हम कॉमन लेंगे वाई तो आपको मिलेगा थ्री एक्स क्यूब वाई प्लस टू ये इसका फाइनल आंसर है। 12th कॉमर्स का डेरिवेटिव का अगला क्वेश्चन है इफ एक्स रेस टू सेवन इंटू वाई रेस टू नाइन इक्वल टू एक्स प्लस वाई रेस टू सिक्सटीन देन शो दैट डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू वाई बाई एक्स। अब ये पहला क्वेश्चन है ऐसा जिसमें लॉगरिथमिक टाइप भी है और इंप्लिसिट टाइप भी है। सबसे पहले लॉगरिथमिक क्यों है क्योंकि एक्स का इंडेक्स गिवन है वाई का इंडेक्स गिवन है और दोनों का प्रोडक्ट गिवन है दो टर्म्स का और यहां पर भी एक्स प्लस वाई का इंडेक्स गिवन है इसलिए ये लॉगरिथम टाइप है लॉगरिथमिक फंक्शन। और इंप्लिसिट क्यों है क्योंकि दो जगह पर वाई है अलग अलग जगह पर तो वाई इज इक्वल टू निकालना पॉसिबल नहीं है तो यह इंप्लिसिट है। तो सबसे पहले लॉग लेना है इसे सॉल्व करने के लिए टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स तो लॉग ऑफ एक्स रेस टू सेवन इंटू वाई रेस टू नाइन इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स प्लस वाई रेस टू सिक्सटीन टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। अब यहां लॉग का फॉर्मूला लॉग ए बी का लॉग ए प्लस लॉग बी तो लॉग एक्स रेस टू सेवन
प्लस लॉग वाई रेस टू 9 इक्वल टू लॉग ऑफ x प्लस वाई रेस टू 16। फिर इन तीनों जगह पर लॉग a रेस टू m का फॉर्मूला m लॉग a, तो आपको मिलेगा 7 लॉग x प्लस 9 लॉग y इक्वल टू 16 इंटू लॉग ऑफ x प्लस y। अब यहां दो जगह पर y है, अलग अलग जगह पर y इज इक्वल टू निकालना पॉसिबल नहीं है, इसलिए ये फंक्शन है इंप्लीसिट, हर टर्म को डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू x। तो ये इंप्लीसिट होने की वजह से डिफरेंशिएट ईच टर्म विथ रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड्स। 7 इंटू लॉग x का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x 1 बाय x प्लस 9 इंटू लॉग y का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x 1 बाय y इंटू y का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x dy बाय dx। 16 कांस्टेंट लॉग का डेरिवेटिव 1 अपॉन x प्लस y इंटू लॉग के अंदर जो भी है उसका डेरिवेटिव, तो x का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x 1 और y का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x dy बाय dx। अब हमें इसे अंदर मल्टीप्लाई करना है, इसे रिअरेंज करेंगे 7 बाय x प्लस 9 बाय y dy बाय dx इक्वल टू 16 इंटू 1 अपॉन x प्लस y इंटू 1 इज 16 अपॉन x प्लस y प्लस 16 अपॉन x प्लस y इंटू dy बाय dx। इस टर्म को पहले 1 को और बाद में dy बाय dx को हम मल्टीप्लाई कर चुका है। अब ये टर्म यहां के माइनस होगा और ये टर्म इधर आके माइनस होगा, हमें शिफ्ट करना है। तो 9 बाय y dy बाय dx माइनस 16 बाय x प्लस y dy बाय dx इक्वल टू 16 अपॉन x प्लस y एज इट इज, और ये 7 बाय x RHS में आके माइनस 7 बाय x होगा। इन दोनों में कॉमन निकालेंगे dy बाय dx, तो ये मिलेगा 9 बाय y माइनस 16 अपॉन x प्लस y कॉमन dy by dx इक्वल टू 16 अपॉन x प्लस y माइनस 7 बाय x। अब हम इस टर्म का एलसीएम निकालेंगे, तो एलसीएम होगा y इंटू x प्लस y, तो न्यूमरेटर मिलेगा 9x प्लस 9y माइनस 16y इंटू dy by dx। यहां पर भी एलसीएम होगा x इंटू x प्लस y, 16 इंटू x इज 16x माइनस 7 इंटू x इज 7x प्लस माइनस 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 7y। तो ये मिला है 9x, अब 9y माइनस 16y तो ये होगा माइनस 7y डिवाइडेड बाय y इंटू x प्लस y इंटू dy बाय dx इक्वल टू 16x माइनस 7x इज 9x माइनस 7y डिवाइडेड बाय x इंटू x प्लस y। और अब हमें dy बाय dx निकालना है, तो dy बाय dx होगा 9x माइनस 7y डिवाइडेड बाय x इंटू x प्लस y, और ये टर्म हमें यहां लाना है, तो आपको मिलेगा इंटू में y इंटू x प्लस y डिवाइडेड बाय 9x माइनस 7y, और इसे लगा तो ब्रैकेट में भी इस तरीके से लिख सकते हैं। अब 9x माइनस 7y और 9x माइनस 7y कैंसिल होगा, x प्लस y कैंसिल होगा और रिमेनिंग मिलेगा y बाय x, तो इसका फाइनल आंसर है। 12th कॉमर्स का डेरिवेटिव का अगला क्वेश्चन है, फाइंड dy बाय dx इफ e रेस टू x प्लस e रेस टू y इक्वल टू e रेस टू x माइनस y। इसे हमें डिफरेंशिएट करना है, गिवन है e रेस टू x प्लस e रेस टू y इक्वल टू e रेस टू x माइनस y। अब यहां टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड से हमें नहीं लगना चाहिए, क्योंकि इसे अगर आप a लेंगे और इसे अगर आप b लेंगे और अगर आप टेकिंग लॉग करेंगे तो लॉग ऑफ a प्लस b मिलेगा, और लॉग ऑफ a प्लस b का कोई फॉर्मूला नहीं है, इसलिए यहां टेकिंग लॉग नहीं होना चाहिए। और दो जगह पर y है, अलग अलग जगह पर y इज इक्वल टू निकालना पॉसिबल नहीं है, इसलिए यह टाइप है इंप्लीसिट फंक्शन, और इंप्लीसिट में हर टर्म को हमें डिफरेंशिएट करना होता है विथ रिस्पेक्ट टू x। तो ये इंप्लीसिट फंक्शन है, देयरफॉर डिफरेंशिएट ईच टर्म विथ रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड्स। e रेस टू x का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x e रेस टू x
इरेस टू वाई का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स इरेस टू वाई इंटू वाई का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स होगा डीवाई बाई डी एक्स इक्वल टू इरेस टू एक्स माइनस वाई का डेरिवेटिव इरेस टू एक्स माइनस वाई इंटू एक्स का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स वन माइनस वाई का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स डीवाई बाई डी एक्स। फिर इसे हमें अंदर मल्टीप्लाई करना है तो आपको मिलेगा इरेस टू एक्स माइनस वाई माइनस इरेस टू एक्स माइनस वाई इंटू डीवाई बाई डी एक्स। फिर इस डीवाई बाई डी एक्स को हमें इधर शिफ्ट करना है और इरेस टू एक्स को हमें इधर शिफ्ट करना है तो आपको मिलेगा इरेस टू वाई डीवाई बाई डी एक्स और ये माइनस एर एच एस में आके होगा प्लस इरेस टू एक्स माइनस वाई डीवाई बाई डी एक्स इक्वल टू ये टर्म एज इट इज है इरेस टू एक्स माइनस वाई और प्लस इरेस टू एक्स आर एच एस में आके होगा माइनस इरेस टू एक्स। इन दोनों में कॉमन लेंगे डीवाई बाई डी एक्स तो आपको मिलेगा इरेस टू वाई प्लस इरेस टू एक्स माइनस वाई कॉमन निकालना है डीवाई बाई डी एक्स इक्वल टू इरेस टू एक्स माइनस वाई माइनस इरेस टू एक्स। फाइनली डीवाई बाई डी एक्स होगा इरेस टू एक्स माइनस वाई माइनस इरेस टू एक्स डिवाइडेड बाय ये टर्म यहां मल्टीप्लाइड है इधर आके डिवाइड होगा तो इरेस टू वाई प्लस इरेस टू एक्स माइनस वाई ये इसका फाइनल आंसर है। 12th कॉमर्स का डेरिवेटिव का अगला क्वेश्चन है फाइंड डीवाई बाई डी एक्स इफ एक्स इक्वल टू इरेस टू टू टी एंड वाई इक्वल टू इरेस टू रूट टी। एक्स गिवन है इरेस टू टू टी और वाई गिवन है इरेस टू रूट टी। या अगर आप टाइप देखेंगे डेरिवेटिव का एक्स इक्वल टू एफ ऑफ टी गिवन है और वाई इक्वल टू एफ ऑफ टी गिवन है इसलिए यह टाइप है पैरामेट्रिक और पैरामेट्रिक का फॉर्मूला है डीवाई बाई डी एक्स इक्वल टू डीवाई बाई डी टी अपॉन डी एक्स बाई डी टी। तो सबसे पहले हमें डी एक्स बाई डी टी निकालना है फिर डीवाई बाई डी टी निकालना है और इस फॉर्मूले में रखना है। तो एक्स गिवन है एक्स इक्वल टू इरेस टू टू टी डिफरेंशिएट जब हम इसे डिफरेंशिएट करेंगे तो इसे डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू टी क्यों क्योंकि एक्स इक्वल टू एफ ऑफ टी गिवन है तो x का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू टी होगा डी एक्स बाई डी टी और इनका डेरिवेटिव इरेस टू टू टी का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू टी इरेस टू टू टी इंटू टू। फिर हम y को डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू टी y का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू टी होगा डी वाई बाई डी टी इक्वल टू इरेस टू रूट टी का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू टी होगा इरेस टू रूट टी इंटू रूट का डेरिवेटिव वन अपॉन टू रूट तो रूट टी का डेरिवेटिव आपको मिलेगा वन अपॉन टू रूट टी। अब यहां ये वैल्यू रखना है डीवाई बाई डी टी हमें मिला है इरेस टू रूट टी अपॉन टू रूट टी डिवाइडेड बाय डी एक्स बाई डी टी मिला है टू इंटू इरेस टू टू टी। एक छोटा फॉर्मूला याद रखेंगे ए बाई बी बाई सी ये होता है ए बाई बी सी तो आपको मिलेगा इरेस टू रूट टी डिवाइडेड बाय 2 इंटू टू होगा 4 इंटू रूट टी इंटू ई रेस टू टू टी ये इसका फाइनल आंसर है। 12th कॉमर्स का डेरिवेटिव का अगला क्वेश्चन डिफरेंशिएट ई रेस टू 4x प्लस 5 विथ रिस्पेक्ट टू ई रेस टू 3x। अब यहां ये दो अलग अलग फंक्शन हमें गिवन है तो जब भी दो फंक्शन गिवन होते हैं टाइप पैरामेट्रिक होता है जिसका बेसिक डेफिनेशन है x इक्वल टू एफ ऑफ टी और y इक्वल टू एफ ऑफ टी। तो यहां देखिए किस तरीके से पैरामेट्रिक होगा पहले हम अज्यूम करेंगे इसे u लेट u इज इक्वल टू ई रेस टू 4x प्लस 5 और इसे हम अज्यूम करेंगे v लेट v इक्वल टू ई रेस टू 3x यह मिला है और यह टाइप है पैरामेट्रिक u इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स की बना है और v इक्वल टू एफ ऑफ एक्स की बना है तो टाइप है पैरामेट्रिक और हमें U को डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू वी तो बाय यूजिंग पैरामेट्रिक फॉर्म du बाय dv का फॉर्मूला है du बाय dx डिवाइडेड बाय dv बाय dx ये टाइप है पैरामेट्रिक। तो पहले अब हमें du बाय dx निकालना है u गिवन है तो du बाय dx du बाय dx होगा u का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x du बाय dx तो e रेस टू 4x प्लस 5 का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x होगा e रेस टू 4x प्लस 5 इंटू 4x प्लस 5 का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x होगा 4। v गिवन है हमें dv बाय dx निकालना है
तो v का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x होगा dv बाय dx, और e टू 3x का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x होगा e टू 3x इनटू 3x का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x 3, और ये वैल्यूज हमें यहां रखने हैं। du बाय dx हमें मिला है, ये है du बाय dx 4 e टू 4x प्लस 5 डिवाइडेड बाय dv बाय dx हमें मिला है 3 e टू 3x। अब इनके लिए एक फॉर्मूला हमारे पास है इंडेक्स का, ए रेस्टू एम अपॉन ए रेस्टू एन होता है ए रेस्टू एम माइनस एन। ये हम अप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा 4 बाई 3 ई रेस्टू 4x प्लस 5, और ये जो प्लस 3x है ये आपको मिलेगा माइनस 3x। तो फाइनली 4 बाई 3 ई रेस्टू 4x माइनस 3x इज x प्लस 5, ये इसका फाइनल आंसर है। 12th कॉमर्स का डेरिवेटिव का अगला क्वेश्चन है, डिफरेंशिएट लॉग ऑफ टी विथ रिस्पेक्ट टू लॉग ऑफ 1 प्लस टी स्क्वायर। अभी अभी जो क्वेश्चन हम सॉल्व कर चुके हैं ये इसी टाइप का है। लेट u इज इक्वल टू लॉग t, और लॉग ऑफ 1 प्लस टी स्क्वायर को फिर हमें v अज्यूम करना है। लेट v इक्वल टू लॉग ऑफ 1 प्लस टी स्क्वायर, और आपको u को डिफरेंशिएट करना है v। u इज इक्वल टू एफ ऑफ टी गिवन है और v इक्वल टू एफ ऑफ टी गिवन है, इसलिए ये टाइप है पैरामेट्रिक। तो पैरामेट्रिक का फॉर्मूला है du बाय dv इक्वल टू du बाय dt बाय dv बाय dt। तो सबसे पहले हमें dv बाय dt निकालना है, u गिवन है log t, तो dv बाय dt इज डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू t ऑन बोथ साइड्स। u का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू t du बाय dt, log t का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू t 1 बाय t। फिर यहां v के लिए dv बाय dt निकालना है, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू टी ऑन बोथ साइड्स, v का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू टी होगा dv बाय dt, log ऑफ 1 प्लस टी स्क्वायर का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू t 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर इनटू log के अंदर जो भी है उसका डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू t, तो 1 प्लस टी स्क्वायर का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू t होगा 2t। और अब ये वैल्यूज हमें यहां रखना है, dv बाय dt मिला है 1 बाय t, और dv बाय dt मिला है 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, और ये फॉर्मूला है हमारे पास a बाय b अपॉन c बाय d अगर है, इसे हम लिखते हैं a बाय b इंटू डी बाय c, तो आपको मिलेगा 1 बाय t इंटू 1 प्लस टी स्क्वायर अपॉन 2t। फाइनली 1 प्लस टी स्क्वायर अपॉन t इंटू 2t इज 2t स्क्वायर, ये इसका फाइनल आंसर है। 12th का कॉमर्स का डेरिवेटिव का आखिरी क्वेश्चन है, फाइंड डी टू आर बाई डी एक्स स्क्वायर इफ वाई इज इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स। अब डी टू आर बाई डी एक्स स्क्वायर, इसका मतलब कि जो टू गिवन है ये ऑर्डर बताता है डेरिवेटिव की, तो यह है सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, और फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होता है डी वाई बाई डी एक्स, जो हम इसके पहले फाइंड कर चुके हैं। अब गिवन है वाई इज इक्वल टू लॉग एक्स, सबसे पहले हम इसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकालेंगे, फर्स्ट डेरिवेटिव होता है dy बाय dx, इसी का मतलब डी रेस टू वन वाई बाय डी एक्स रेस टू वन, ये होता है फर्स्ट डेरिवेटिव। तो log x डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1 बाय x, फिर सेकंड डेरिवेटिव का मतलब d2y बाय dx स्क्वायर, तो dy बाय dx को और एक बार डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x, तो 1 बाय x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x होगा माइनस 1 बाय x स्क्वायर, तो इनका फाइनल आंसर है।